Oh, I am the fire, the moon.
उसकी सात पुस्तकों को बख्श दिया जाएगा, जो नबियों का ताजदार है, जो काली
इसी प्रकार 1400 साल गुजर के आज ये इतराज पर इतराज इतराज पर इतराज होते जा रहे हैं। ऐ अकल के अंधो, ये जरा सोचो तो सही, उस रात का मुकाम तो तुम मनाते हो, उस लैला के कदर की रात को तो इबादत का करते हो, लेकिन ये नहीं समझते इस रात कुरान उतरा है, उस कुरान उतरने से इस रात का मुकाम उतर हो गया, और जिसके सीने में कुरान उतरा उसका मुकाम उतरा। उस रात को कहां मनाते हैं हजरत किसी ने कहा कि उस रात कुरान उतरा है, क्यों गए
मामूर
इंसान को अकल अता फरमाई और रब जल्ला जलालहू अपने बंदों में से जिसको अपना कुर्ब अता फरमाता है उसको अपना दोस्त बना लेता है। रब जल्ला जलालहू अपने बंदों में से जिसको अपना कुर्ब अता फरमाता है, कुर्ब उस वक्त अता फरमाता है जब रब जल्ला जलालहू की हम इबादत करते हैं, रियाजत करते हैं, हर वक्त हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करते हैं, रब जल्ला जलालहू का जिक्र करते हैं। जब हम हर वक्त अल्लाह 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 करते रहते हैं, जिक्र करते रहते हैं, फिर रब जल्ला जलालहू अपना कुर्ब अता फरमाता है। कुर्ब अता फरमाने के बाद जब रब अपना दोस्त बना लेता है तो रब जल्ला करीब करता है तो रब जल्ला जलालहू अपने तमाम अजाबात जो है उठा लेता है, रब तमाम अजाबात उठा लेता है। और रब जल्ला जलालहू जब तमाम अजाबात उठाकर रब अपना फैज अदा करता है तो उस वक्त उस बंदे का मुकाम इतना बुलंद हो जाता है कि वो जब जब भी रब का नाम लेता है उस पाक नाम के सबके हमको शफा मिलता है, हमको शफा मिल जाती है, को वक्त का होस बन जाता है, को वक्त का बली बन जाता है, रब का पुरजीदा बंदा बन जाता है, उसका नाम अल्लाह के दोस्तों में लिखा जाता है। और फिर रब जल्ला जलालहू उसकी जुबान में इतनी मिठास रख देता है, इतना फैज रख देता है, वो निगाह उठाता है, उसका ध्यान हो जाता है और जब वो गुफ्तगू करता है उसके नाम से रब का फैज के सदके ये सिर्फ रब जल्ला जलालहू उन लोगों को अता फरमाता है जो रब जल्ला जलालहू की इबादत करते हैं, हर वक्त की इबादत करते हैं। हजरात ज़िम्मेदार जब रब जल्ला जलालहू के हम मौजूदा बंदे बन के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको हर चीज अदा कर दी, रब जल्ला जलालहू ने जब अपने पर्दे में उठा लिए तो फिर रब जल्ला जलालहू का जब हम उनके दोस्त बन जाते हैं, रब हमको दोस्त बना लेता है तो रब जल्ला जलालहू सब कुछ अता कर देता है। जरा इसी प्रकार क्यों ना हम भी कोशिश करें, क्यों ना हम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक बारगाह में ये आरजू करें, ये तमन्ना करें, ये ख्वाहिश करें कि हे मौला हम भी गुनाहगार हैं, खताकार हैं, हे मौला अपने कर्म के सदके हमारे गुनाहों की माफ़ फरमा दे, अपने महबूब पाक के सदके हमारे गुनाहों की माफ़ फरमा दे। बिला तखीर मैं अगले सनाखाने मुस्तफ़ा को दावत देता हूँ, किबला हाफिज काशिफ बशीर साहब को, उसके बाद किबला हजरत अलामा हाफिज तला यासीन साहब बड़ा खूबसूरत बयान फरमाएंगे। मैं बिला तखीर हाफिज काशिफ साहब को दावत देता हूँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सनाखाने मुस्तफा, उलमाए मुस्तफा, बाबा जिब्रत मुस्तफा पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह
कुछ मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने बाप को हासिल
हजरत से मकार तो पता क्या चला कि जिस घर में चार चार उनका मुकाम और मर्तबा खत्म हो सकता है। इब्न हाफिज साहब उनके शाम से पढ़ के आए हैं और बात करने का मकसद यह है, मैं बात आगे उन्होंने हदीस पाक की बयान की और जो आयत मुबारक मैंने पढ़ी है वो भी इल्म के मुताबिक है कि इल्म जो हासिल करता है उसका मुकाम और मर्तबा रब भी बुलंद फरमा देता है और आपके महबूब भी उसका मुकाम और मर्तबा खुश शाखों को वो ताजा गुलाब देते हैं, अहद पीली को फिर से शराब देते हैं। हजरत जिम्मेदार महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, ख्वाहिश कर रहा हूँ कि वो एक खूबसूरत कलाम है हर महफिल में गए ये उनकी खिदमत में नाज करने लगा हूँ कि वो चम्मच से पाने वो वाला कलाम जो है ना अगर आप समाज पढ़ना करें तो बहुत शुक्रिया होगा। अल्लाह खुद भी करता है और फरिश्तों को भी हुक्म देता है
और ये बड़ा आला वजीफा है, इसे जो भी पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे के रिज़्क में कभी नहीं आने देता, अल्लाह उसकी इज्जत में कभी नहीं आने देता, अल्लाह उसकी शोहरत में कभी नहीं आने देता। जो बंदा ये चाहता है कि अल्लाह मुझे वसी रिज़्क अता फरमाए, अल्लाह मुझे इज्जतें अता फरमाए, अल्लाह मुझे शोहरतें अता फरमाए, वो एक काम किया करे, रसूलुल्लाह की ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़ा करे, अल्लाह उसे इज्जतें अता फरमा देगा, मुकाम अता फरमा देगा। शाह जी ने जो हुक्म फरमाया मैं वो कलाम पेश करूँगा और आवाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़े। अस्सलातु वस्सलाम जवान एक आ चुकी है, निशानदेही करवाओ कि सारा नबी जिंदा है, सारा नबी
शेर पढ़ता हूँ, मेरे जहन के जरिए ख्याल आता है कि जो बंदा चलते फिरते अकल और शऊर होने के बावजूद भी जो मेरे नबी को मुर्दा कहता है, मैंने नतीजा ये निकाला कि वो बंदा जिंदा रहकर भी मुर्दा है। जो बंदा मेरे नबी को जिंदा कहता है वो कब्र में भी चला जाए वो मरता नहीं है, वो जिंदा रहता है। वो कब्र में भी चला जाए फिर भी जिंदा रहता है, यही तो अकीदा अल्लाह ने हमें दिया। और जिंदा रहना चाहते हो या मुर्दा होना चाहते, जिंदा रहना चाहते हो? अगर चाहते हो अगर हम जिंदा रहें तो फिर मेरे नबी को जिंदा कहो। आज मेरे नबी को जिंदा कहोगे कब्र में जब चले जाओगे तो मट्टी कफन को भी नहीं छुएगी और कफन भी आपका मेला नहीं होगा, क्योंकि जो मोहम्मद के गुलाम होते हैं वो मरते नहीं है, वो जिंदा रहते हैं। फिर सुनना आला क्या कहते हैं, शाह साहब नौशाही
जिदा शर्फ हो और पीर सैयद मतलूब हुसैन शाह साहब और किबला मुबशर शाह जी के भाई, उन्होंने इतनी मेहनत और आपकी पूरी टीम ने इस प्रोग्राम को सजाया। तो दुआ है कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को अपने बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मुख्तसर से हाजिरी पेश करूँगा, जितनी मुख्तसर हो सके उतना मुख्तसर करूँगा, ताकि इतना मुझे टाइम नहीं है, काफ़ी टाइम बीत गया है। और दुआ भी ये करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हक सुनने और हक सुनाने की तौफीक अता फरमाए। मेरा परवरदिगार जल्ला जलालुहु कुरान के अंदर इरशाद फरमा रहा है, रब्बा अग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। बड़ी तवज्जो के साथ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब बंदा कुरान खोलता है या नमाज में होता है और जब बंदा ये दुआ पढ़ता है, अगर मैं इससे पीछे वाली दुआ पढ़ूं तो वो ये है कि रब्बी जालनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ऐ रब ताला सानू भी नमाजी बना और साडी ज़ुर्रियत को भी नमाजी बना। और ज़ुर्रियत एक ऐसी चीज है कि बंदे की पुश्त विचों आने वाली जड़ी नस्ल अगे चलेगी, उसके वास्ते ही बंदा दुआ पै के नमाज भी करता है। नमिन सुर्रिया की अगर दुआ कबूल हो गई तो बड़ी नस्ल नमाज भी बन जाएगी। ठीक है, अगर रब ताला ने बारगाह में पता की कहते हैं, रब ना वो तकबल दुआ, ए रब मेरी दुआ को कबूल फरमा। और फिर बंदा कहते हैं, रब ना फिर ली या अल्लाह मेरी मगफरत फरमा, वाली वाली दैया और मेरे वालदैन दी मगफरत फरमा, वाली मुमिनीन और मोमिनीन दी मगफरत फरमा। हज़रात तवज्जो करना, सब तो पहले गल ये कि तुहानू ये पता होना चाहिए है कि रब्बा अग़फ़िरली ये दुआ मंगी किसने से। ठीक है, ये दुआ मंगी किसने से, बड़ी तवज्जो करना, रब्बा अग़फ़िरली वाली वाली दैया वाली मुमिनीन, ये दुआ मंगने वाले ने जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। आपने दुआ फरमाई कि रब्बा अग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन, जब इब्राहिम अलैहि सलाम ने दुआ फरमाई तो ये दुआ मेरे नबी को बड़ी चंगी लगी है। ये दुआ मेरे नबी को बड़ी चंगी लगी क्योंकि मेरे आका करीम चाहते सन कि मैं अपनी उम्मत को ऐसी ऐसी चीज दे के जावां, ऐसी ऐसी चीज दे के जावां कि मेरी उम्मत उस चीज को इस्तेमाल करती रहे या पढ़ती रहे या पढ़ाती रहे, कोई चीज फायदा देती है कि नहीं,
ये सब पकड़ना चाहिए हैं। मेरे आका करीम हसूल नफी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पाक है, हसूल नफी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा फौत होता है तो आमाल का सिलसिला मुनकते होता है, लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं जो हसूल ने फरमाई कि कब्र में चला जाए उनका मान लिया। पहली चीज है सदका जारिया, कि ये बहुत सारे बोलते हैं कि ये एक चीज सब याद करनी चाहिए, ये सब एक नई चीज है जिन्हें तो उसी जनाब बेखबर हो गया, हम खबर रखनी चाहिए। फरमाया गया कि पहली चीज सदका जारिया, दूसरी चीज है इल्म नाफे, और तीसरी चीज है नेक औलाद। फलाके सारे सवाब की मस्जिद है, जब तक वो मस्जिद कायम रहेगी अल्लाह मरने वाले को सवाब देता रहेगा। ठीक है, अल्लाह मरने वाले को सवाब देता रहेगा, ये है सबका जारिया। और इल्म नाफे क्या है? इल्म नाफे ये है कि किसी ने इल्म पढ़ा और उस इल्म को इतना फैलाया, ठीक है, फिर वो इल्म चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, चलता रहे। अगर वो इल्म लिख कर चला गया, लोग किताबें पढ़ते रहे, जिसने वो किताब लिखी है या लोगों तक इलम पहुंचाया है, जब तक वो इलम चलता रहेगा अल्लाह इलम पढ़ाने वाले को कब्र में सवाब देता रहेगा। ठीक है, अब तीसरी चीज सुनो, नेक औलाद, नेक औलाद की गलती है। हम लोग कहते हैं कि तुम जरा इस सारे सवाब है प्रोग्राम से जाते हो, ये तो किधर है ही नहीं, है भी तुम खान का ढंग बनाया, लेकिन हजरत तवज्जो मुझे ये समझाओ कि नेक औलाद से मतलब क्या है। अगर इस सारे सवाब का ये प्रोग्राम सजाना जायज नहीं है, तो फिर नेक औलाद अपने वालिदैन के लिए किस तरह सारे सवाब करे? सारे सवाब के और बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं इस तरफ जाना चाहता हूँ, आप तवज्जो करें इस तरफ, जो बात आज की जो ये जो लोग बैठे हैं मैं और आप आए हैं, ये जो हजरात हम जमा हुए हैं, नगर भी हम आएंगे, दुआ भी मांगेंगे, जिनके सारे सवाब के लिए हम आए हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ ये भी जायज है, ये नजायज नहीं है। हालांकि इससे आला सारे सवाब करने के तरीके और भी मौजूद हैं, ठीक है, ये बात है। हालांकि इसको आला ना समझना, ये सबसे आला है, ये सबसे आला नहीं है, सबसे आला सारे सवाब करने का तरीका और भी है, लेकिन नेक औलाद क्या करे? मेरे आका करीम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुनाह सुनो, सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ के जैसे पागे, मेरे आका करीम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुनाह उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाहि अलैहा, आप कहेंगे कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारगाह के अंदर एक शख्स आया, आगे कहने सोने मदीने के ताजदारा, ये दसो कि मेरी वालिदा का इंतकाल होया है, इंतकाल तो पहले अगर मैं अपनी वालदा के कोल होंदा तो मैं पता सी मेरी वालदा जरूर मैं कहती कि बच्चा मेरे नाम का सदका कर रहा है, मेरे नाम का सदका सुने, मैं कोल नहीं सा, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है, वो सुने ये दसो कि मैं अपने वालदा वास्ते कोई काम ऐसा करा जिदा सवाब होवे, क्या मेरी वालदा नु सवाब पहुंचेगा? है जी, मैं कोई ऐसा काम करा ते सवाब पहुंचेगा? मेरे आका करीम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अपनी वालदा के नाम का सदका कर या और कोई चीज अपनी मां के सारे सवाब वास्ते कर, अल्लाह सवाब कब्र विच मां नु भी अता फरमाएगा, जो करने वाला होगा अल्लाह और भी सवाब अता फरमा देगा, सिर्फ मरने वाले नहीं बल्कि जो कर रहे होंगे अल्लाह और भी सवाब अता फरमा देगा। है जी, लेकिन हजरात तवज्जो करना, तवज्जो, यहां पर मैं एक बात आपको सुनाना चाहता हूं, नेक औलाद, नेक औलाद क्या करे? लेकिन ये बात आप जहन में रखें, उसके खजाने में कमी नहीं है, उसके खजाने में कमी नहीं, जो बंदा जिस तरह मानता है, जिस हाल में मानता है, अल्लाह उसे आजाद करता है। लेकिन उनके बंदा इस तरह के यार का तू ही मेरा रब है, मैं हो जाऊंगी तेरे को, अरे तेरे सिवा मैं मानता नहीं किसी भी आला, तेरी बात मैं करना, तेरे सामने झुकना, तेरे सामने सजदा रहे सोना यार, मैं और किसी की बात करता नहीं, यार तू करम फरमा, जब तू बंदा ए नियत लै के रब के बारगाह च आके मंगदा है, तो फिर मेरा रब उस नु अपने खजाने च कितना अता फरमांदा, बंदा सोचता रह जांदा यार इतना आया कि दूंगा,
लेकिन होता की है कि बंदा सिर के दिल नाल सच्ची नियत नाल मेरे रब को मांगे है जी सच्ची नियत नाल और जनाबे वाला बंदा ये है कि रब के बारगाह से इल्तिजा करे इंशाल्लाह तू देने वाला है इंशाल्लाह तू रहमान है तू रहीम है तू करीम है तू रऊफ है तू कदीर है या अल्लाह तू रज़ाक है तेरे खजाने कभी खोए नहीं इंशाल्लाह मैं तेरे को मांगना जे मेरे वालिदैन दी मदद फरमा दे इस पे बंदा जनाबे वाला अपने वालिदैन दी मदद फरमा दे और अपने वालिदैन दे हक विच दुआ फरमा दे मेरे आका करीम ने फरमा दे ए जेड़ा बंदा अपने वालिदैन दे हक विच दुआ फरमा दे मेरा रब सुनदे दी दुआ आप फरमा देंगे मेरे को
Ah!
और आसान
سید عباس شاہ صاحب قاضی نشائی اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بھی بلندیاں عطا فرمائے اور افسانہ علیہ قادریہ نشائی مل شریف تمام مسلمان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے اور افسانہ علیہ قادریہ نشائی چڑھ شریف میں اور پیر سید معروف شاہ صاحب فیض الصفادہ صاحب ہیں پیر سید مولانا حسن قیوم قادری نشائی ان کے لیے دعا فرمانی ہے اور وہ معصوم ہیں بے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور شیخو بول نشائی جو نوشاب شریف کی طرف سے جو یہاں پہ مدفون ہیں پیر سید عبدالعزیز قادری نشائی پیر سید محمد اشرف شاہ نشائی اور پیر سید محمد اظہر شاہ قادری نشائی اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے اور جتنے بھی اس سلسلہ قادریہ نشائیہ کے جتنے بھی بزرگان دین اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں سب کے لیے دعا فرمانی اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے اور ان نیک لوگوں کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ ہماری منفرد اور بخش فرمائے اللہ پیر صاحب کے لیے دعا فرمانی ہے اللہ تعالیٰ ان کو پیر سید گلشن عزیز قادری نشائی اللہ تعالیٰ ان کو جہاں پہ والا درجات کی بلندیاں عطا فرمائے اور پیر صاحب سے اسی دعا فرمانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے کیونکہ یہ ہمارے پاس جو دین کا کام کرنے والی ایک عظیم ہستی ہے پیر سید معروف حسین شاہ صاحب ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے جو آپ نے دین کا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقیاں عطا فرمائے اور اللہ آپ کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے اور ان کے خاندان میں جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے حافظ ختم سنائیں گے اس کے بعد دعا کے لیے میں دعوت دوں گا حضرت علامہ صاحبزادہ حفیظ سید ڈاکٹر عرفان الحق قادری نشائی صاحب کو کہ وہ دعا فرمائیں گے ختم پاک کے لیے میں کر سکتا ہوں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد مما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم Yeah.
तमाम अंबियाए कराम
और उलुल अज़्म रुसुल तमाम की अरवाह को पेश करते हैं, इसको कबूल व मंजूर फरमा। तमाम सहाबाए कराम, तमाम अहले बैत, उलमाए उम्मत की अरवाह को पेश करते हैं, इसको कबूल व मंजूर फरमा। अज़वाजे मुतहरात की अरवाह को पेश करते हैं, इसको कबूल व मंजूर फरमा। या इलाह आलमीन, तमाम सलासल के मशाइख की अरवाह को पेश करते हैं, इसको कबूल व मंजूर फरमा। खसूस बिल खसूस पीर पीरा मीर मीरा शहनशाह फरजा हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादर अल जिलानी अल हसनी अल हुसैनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपकी रूह मुकद्दस को पेश करते हैं, इसको कबूल व मंजूर फरमा। सिलसिला आलिया कादरिया नशाहिया के बानी और इमाम मुजद्दद आज़म हजरत सैयदना नौशा गंजबख्श कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, आपकी रूह मुकद्दस को पेश करते हैं, इसको कबूल व मंजूर फरमा। सिलसिला आलिया कादरिया नशाहिया के तमाम मशाइख तमाम उलमा की अरवाह को पेश करते हैं, इसको कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहा आलमीन, जिन मशाइख का नाम लिया गया है इस खानदान के जितने भी मशाइख यहाँ के कब्रिस्तान में मदफून है, इनकी अरवाह को पेश करते हैं, इसको कबूल व मंजूर फरमा। हाज़रीन मजलिस के जितने भी अजीज व क़ारिब दोस्त अहबाब इस दुनिया से रुख्सत हो गए हैं, या इलाहा आलमीन, तमाम के लिए दुआए मग़फ़रत करते हैं, इसको अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। या इलाहा आलमीन, हाज़रीन मजलिस के जितने भी दोस्त अहबाब अजीज व क़ारिब बीमार हैं, उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ करते हैं, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक से तमाम को शिफाए कामला अता फरमा। अल्लाहुम्मा शफी मर्दाना अंता शाफी अल-अमराद, اللهم اقض حاجاتنا انت قاضي الحاجات، اللهم افتح علينا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا مريئا غدقا مجللا صحا طبقا دائما ابدا نافعا غير ضار. هو الحليب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الاحوال المتهمين. محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله منطمس غرفا من البحر او رشفا من الديم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر فيه امين فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا إله العالمين اس موقع پر خاص طور پہ عالمی مبلغ اسلام محسن اہل سنت पीर तरीकत हजरत पीर सैयद मारूफ हुसैन शाह साहिब आरिफ कादरी नौशाही जीदा मैदूमी, आपकी सेहतियाबी के लिए और पीर साहब के घर के जो अफराद हैं उनकी सेहतियाबी के लिए, दराज उम्र के लिए दुआ करते हैं। या इलाहा आलमीन, इसको अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। या इलाही, हर जगह तेरे अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल दुशा का साथ हो। बिजाह मन बैतुहु फी वतिल हराम वस्मुहु कसमुन मिन अअज़मिल कसम व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही।